तो 1717 में फर्रुखसियार ने फरमान दिया, कब दिया, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने फरमान दिया। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप बंगाल और बॉम्बे और मद्रास में, तो तीनों के लिए मिला था, बंगाल बॉम्बे और मद्रास में आप ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना, सिर्फ फिक्स एनुअल पेमेंट कर दो, एक एनुअल पेमेंट कर दो, उसके बाद आप कहीं कितना भी ट्रेड करो बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास में। किसने दिया, फर्रुखसियार ने दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है वो बिना टैक्स के आप कर सकते हो, बस एक फिक्स एनुअल पेमेंट देना पड़ेगा आपको, किसको, फर्रुखसियार को। तो ये 1717 में फर्रुखसियार ने फरमान दिया। एंड इससे क्या हुआ, कंपनी 10 तक पास कर सकती थी, 10 तक पासेस दे सकती थी गुड्स एंड गुड्स के मूवमेंट के लिए। तो ये सिर्फ कंपनी के ट्रेड के लिए था, लेकिन कंपनी के प्राइवेट सर्वेंट थे वो भी इसका मिसयूज करने लगे थे फरमान का। एंड जो भी नॉर्मल ट्रेड करते थे, जो कंपनी के लोग, वो जो प्राइवेट ट्रेड करते थे उसमें उन्हें टैक्स देना होता था, लेकिन वो नहीं देते थे, लेकिन इंडियंस को टैक्स पे करना पड़ता था। ये था फर्रुखसियार फरमान। तो जो बंगाल था, बंगाल मोस्ट फर्टाइल रीजन था, मोस्ट फर्टाइल एंड वेल्दी रीजन था इंडिया का। तो पहले तो बंगाल को फाइंड कहते हैं मुर्शिद कुली खान ने, इसे फाइंड किया था मुर्शिद कुली खान। एंड ये भी परेशान थे 10 तक की वजह से। फिर अली वर्दी खान ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर सिराजुद्दौला आई 1956 में, बेलटेटा प्लासी से 1 साल पहले आए थे, 1756 में आए, और उन्होंने भी कोशिश करी। फिर 18 साल के थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे ये सिराजुद्दौला, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। एंड इन्होंने इन्होंने बोला कि 10 तक का मिसयूज मत करो, इन्होंने काफी बार कंपनी को बोला। और ऊपर से एक जो इमीडिएट कॉज था फाइट का, वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उनकी उसकी जो जो यहाँ पे भी रहते थे अपने, जो फोर्ट विलियम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उसको वो मोट मोट बना रहे थे, मोट यहाँ पे आसपास पानी के लिए मोट बना रहे थे कि यहाँ पे पानी भरेंगे। तो ये इमीडिएट कॉज था ये लड़ाई का, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, आप मोट बना रहे हो, उसने बोला मोट मत बनाओ, लेकिन कंपनी बोला हम तो फ्रेंच के लिए बना रहे। तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, उसने इंग्लिश फ्रेंच फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी, कासिम बाजार और फोर्ट विलियम को बिल्कुल कैप्चर कर लिया, फोर्ट विलियम कासिम बाजार में इंग्लिश की फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया 1756 में। और फिर ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है, इसमें 213 लोग मर जाते हैं आफ्टर 146। तो ये कब होता है, 1756 में होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव भाग जाते हैं कलकत्ता से, तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो फिर आते हैं कोलकाता, आते हैं रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे लड़ने। तो 1756 में जो रॉबर्ट क्लाइव अपने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो फिर 1757 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अली नगर साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अली नगर। इसमें क्या होता है कि सारे ओल्ड प्रिविलेजेस जो भी कंपनी को मिले थे वो कन्फर्म कर दिए जाते हैं, ठीक है आप कर लो। और फिर जो फोर्ट विलियम जो मोट होती है वो अलाउड कर देती है कि आप मोट खोल लो अपने हिसाब से। फिर क्लाइव क्या होता है, चंदौर नगर को कैप्चर कर लेता है 1757 में, फ्रेंच फ्रेंच का जो यहाँ पे चंदौर नगर का फोर्ट होता है उसे कैप्चर कर लेता है एंड उन्हें हटा देता है वहाँ से। थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा होता है 1757 में, तो इनको हटा देता है। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर कब से स्टार्ट होता है, 1756 टू 1763 अराउंड चलता है। तो ये उस टाइम थर्ड कर्नाटिक वॉर चला होता है, तो चंद्रनगर से क्लाइव हटा भगा देता है, किसको, फ्रेंच को भगा देता है चंद्रनगर से। तो क्लाइव क्या करता है कि इस नवाब को हटा दिया जाए, क्लाइव बोलता है नवाब बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको हटा दिया जाए। तो क्लाइव फिर कॉन्स्पिरेसी करता है, तो क्या करता है, मीर जाफर जो मिलिट्री हेड होता है, मीर जाफर मिलिट्री हेड होता है, मीर बख्शी होता है मिलिट्री हेड। फिर मनिक चंद, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता था, मनिक चंद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता। फिर अमीन चंद ये रिट मर्चेंट होता है, अमीन चंद। फिर जगत सेठ, ये बिगेस्ट बैंकर होता है बंगाल के, जगत सेठ ये। फिर खानदेम खान, ये कमांडर एंड ऑफ लार्ज ट्रूप, नवाब का लार्ज ट्रूप का कमांडर होता है ये, नवाब का जो ट्रूप होता है उसका लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप का कमांडर होता है खादिम खान। ये सब बिट्रे कर देते हैं, मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद एंड जगत सेठ एंड खानदेम खान। फिर जो लॉयल रहते हैं, दो लोग लॉयल रहते हैं, मीर मदन एंड मोहन लाल, ये दो लॉयल रहते हैं, मीर मदन एंड मोहन लाल, ये नवाब के बहुत ज़्यादा नोबल रहते हैं। तो कौन कौन थे, मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, खानदेम खान, ये सारे बिट्रे कर देते हैं। एंड फिर मीर मदन एंड मोहन लाल, ये दोनों लॉयल रहते हैं नवाब के। फिर इसमें सबको सारी कॉन्स्पिरेसी करने के बाद यहाँ पे पलाशी जगह है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पलाशी जगह है, यहाँ पे होती है बैटल ऑफ प्लासी।
57 में बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें नवाब को हरा दिया जाता है, नवाब को बैटल ऑफ प्लासी में। और फिर जो क्लाइव हो जाता है वो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बन जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर फोर्ट विलियम। कब तक रहता है? 3 साल तक रहता है, 1757 to 60। फिर गवर्नर फोर्ट विलियम, क्लाइव एक मोटा सा इंसान गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बन जाता है 57 to 60 तक। इसके बाद जो भी कंपनी है उसको फ्री राइट मिल जाते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। बीबीओ की क्या मिल जाती है? राइट टू फ्री ट्रेड। तो अभी ट्रेड की राइट मिल गई है, बंगाल बिहार उड़ीसा में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और जो पर्सनल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन वो भी हटा जाते हैं कि आप अब जो पर्सनल ट्रेड करते थे जो कंपनी के लोग थे वो भी अब आराम से कर सकते थे, तो ये भी हटा दिया जाता है। फिर 24 परगना, कलकत्ता में 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी मिल जाती है, क्या जमींदार बना दिया जाता है 24 परगना के। फिर 2.2 करोड़ मिलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ाई के, इतने सारे पैसे दिए जाते हैं। फिर सारी फ्रेंच फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है, तो फ्रेंच को बिल्कुल भगा देते हैं। तो सेकंड कर्नाटिक, थर्ड कर्नाटिक वॉर चला होता है, तो सारे फ्रेंच फैक्ट्रीज किसको मिल जाती है? इंग्लिश को। एंड इससे क्या होता है कि दो इतने सारी चीज़ें दे दी तो सारी जो ट्रेजरी होती है वो एम्प्टी हो जाती है। तो फिर वो प्रोटेस्ट करता है कि मीर जाफर की आप हमें थोड़ा पैसा दो, तो फिर वो प्रोटेस्ट करता है तो उसको हटा के मीर कासिम को बना देते हैं। तो मीर कासिम जब नवाब बनता है तो वो बुर्दवान, मिडनापुर और चित्तागोंग किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बुर्दवान, मिडनापुर एंड चित्तागोंग ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है मीर कासिम। और ये अपने जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट करता है? मुंगेर, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मीर कासिम का कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर शिफ्ट करता है। और इसमें क्या होता है, जो इंटरनल ड्यूटीज, जो इंडियंस जो इंटरनल ड्यूटी देते हैं, पैसे देते हैं, तो उनको दिक्कत होती है, तो उसको हटा देता है इंडियंस पे। तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर पे ले आता है, लेकिन कंपनी बोलती है अरे यार तुम तो मुंह चलाने लगे, तो वो चाहती थी पपेट बनो, लेकिन नवाब अपनी तरह से काम कर रहा था, तो वो कंपनी से फाइट करता है, वो हरा और कंपनी हटा देती है 1763 में। फिर वो जाके अवध भागता है में 1973 में। मीर जाफर को फिर 63 to 65 मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया जाता है। फिर से मीर जाफर नवाब बन जाता है किसका? बंगाल का। तो मीर कासिम होता है वो कन्फेडरेसी बनाता है। मीर कासिम बोलता है ये इंग्लिश बहुत पढ़ रहे हैं, इनको कन्फेडरेसी बनाता है शुजाउद्दौला के साथ एंड शाह आलम टू एंड और ये मीर कासिम बंगाल का, ये तीनों मिलके करते हैं बैटल ऑफ बक्सर करते हैं 1764 में फाइट करते हैं। तो इसकी जो भी कंबाइंड फोर्सेस होते हैं वो हार जाते हैं, जो इनकी 40,000 की फोर्सेस होती है सिर्फ वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की 7,000 की जो फोर्स होती है वो हरा देती है 40,000 की फोर्स को एट द बैटल ऑफ बक्सर। और इसको लीड कौन कर रहे होते हैं? हेक्टर मुनरो होते हैं इस टाइम, ये लीड कर रहे होते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी नॉर्थ इंडिया में जीत जाती है। तो रॉबर्ट क्लाइव तो चले गए थे, हमने बोला 1765 में वो क्या बने थे? गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम 1760 तक वो वापस इंग्लैंड चले गए थे। अब उनको बुलाया जाता है ट्रीटी साइन कराने के लिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद। पूरा एरिया यहाँ, पूरा बंगाल एंड पूरा अवध एंड पूरा ये मुगल एम्पायर, तो यहाँ पे मुगल है, यहाँ पे अवध है एंड पूरा बंगाल एरिया इनके पास आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। और कौन थे? बैटल ऑफ बक्सर को कौन हराता है? हेक्टर मुनरो हराते हैं इनको बैटल ऑफ बक्सर में होता है। तो अवध के साथ जो अवध होता है उसके साथ क्या ट्रीटी करते हैं? अवध में कौन होता है? शुजाउद्दौला अवध में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कारा एंड अलाहाबाद, जो अवध का जो कारा एंड अलाहाबाद होता है, अवध का होता है, वो बोलते हैं कि आप किसको दे दो? मुगल एम्परर को दे दो, क्योंकि मुगल एम्परर को दिल्ली से हटा दिया जाता है। तो कारा एंड अलाहाबाद मुगल एम्परर को दे दिया जाता है। फिर बोलते हैं कि 50 लाख आप हमें दोगे, अवध से बोलते हैं 50 लाख वॉर की वजह से हमें दोगे। और ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस साइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर कभी भी मराठा से लड़ने आएंगे तो पहले अवध एज अ बफर स्टेज काम करेगा, क्योंकि ब्रिटिशर बंगाल में, तो इसलिए अवध के साथ बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव कि अगर ये मराठास मारने आएंगे तो आप हमें पहले बचाओगे। और फ्री ट्रेड राइट्स मिल गई अवध में, फ्री ट्रेड राइट्स कि हम आराम से ट्रेड करेंगे अवध में। फिर शाह आलम टू के साथ इन्होंने क्या ट्रेड किया? साइन की। तो शाह आलम टू मतलब जो मुगल एम्पायर थे
दिल्ली के, तो उन्हें इलाहाबाद और कारा, अवध से लेके इलाहाबाद एंड कारा इनको दे दिया गया। और उनसे बोला आप इलाहाबाद फोर्ट में रहिए, दिल्ली में रहने की जरूरत नहीं है। एज अ प्रिजनर इन्हें इलाहाबाद फोर्ट में रखा गया। फिर इन्हें दीवानी राइट मिल गई किसकी, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की। किसको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गई। उन्होंने बोला हम आपको 26 लाख पेंशन देंगे, लेकिन दीवानी राइट हमारी की, हम लोग सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और आपको सिर्फ 26 लाख देंगे साल का। फिर 1765 बैटल ऑफ बक्सर से लेके बैटल ऑफ बक्सर के बाद सिर्फ 1765 टू 72 डुअल सिस्टम चलता है बंगाल में। डुअल सिस्टम कब से चलता है, 65 टू 72। डुअल सिस्टम में क्या था, एक था निजामत, निजामत मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काम एंड क्रिमिनल जस्टिस का काम, वो निजामत में आता है। दीवानी मतलब रेवेन्यू, तो रेवेन्यू रेवेन्यू आ गया, निजामत में आ गया सिविल एंड क्रिमिनल का काम। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर का कौन देखता था, निजामत, एंड दीवानी का था रेवेन्यू राइट। दीवानी में रेवेन्यू एंड निजामत में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो दो काम थे निजामत एंड दीवानी। तो डुअल सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, तो डुअल सिस्टम में दो चीज़ थी, एक निजामत एक थी दीवानी। तो निजामत में क्या हुआ, इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ मिल गई, और दीवानी में इनकी थी रेवेन्यू। तो दीवानी में थी रेवेन्यू एंड निजामत में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो जो भी दीवानी थी मतलब वो दीवान बन गया था, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवान दीवान बन गया था। तो रेवेन्यू के लिए, तो रेवेन्यू के लिए इसने दो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो डिप्टी नवाब अपॉइंट किए, डिप्टी नवाब। तो ये क्या करते थे, ये सारा सामान जो भी था डिप्टी नवाब, ये डिप्टी नवाब क्या करते थे, पैसा कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये पैसा यानी निजामत के लिए दे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके दे, थोड़ा सा पैसा देती थी जितना, और सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी, और कुछ पैसा बोला था ना 26 लाख देंगे, वो 26 लाख देती थी। तो भाई सारा पैसा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चलने लगा, क्योंकि पूरा दीवान यही बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, दीवानी राइट, तो दीवानी राइट उसने मुगल से ले ली थी, एंड उसको किसे किसे दे दी, निजामत को दे दी, एंड निजामत की जो राइट थी वो नवाब को दे दी। तो नवाब वो बंगाल को दे दी, लेकिन पूरा कंट्रोल इसी के, पता निजामत बंगाल को दे दी, एंड दीवानी राइट किसको दे दी, डिप्टी नवाब को। डिप्टी नवाब यही अपॉइंट करते थे, इनके सारे से यही चलते थे, और पैसे सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते थे, जिसमें से सिर्फ 56 लाख सारे रेवेन्यू, सिर्फ 56 लाख देते ही है पब्लिक वर्क के लिए, बंगाल के लिए। तो ये बहुत ही कम था चल, और फिर बाद में पहले तो पैसा लगा फिर 33 लाख कर दिया था बाद में, तो बहुत ही कम पैसा देते थे ये लोग। जो इंडियन ट्रेडर्स होते थे, इंडियन ट्रेडर्स पे कम से कम 40% टैक्स लगता था, और कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे 0% टैक्स लगता था। फिर इसी वजह से ग्रेट फेमाइन आती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद 769 में टू 72। बंगाल की बिहार हालत बहुत खराब थी, 1769 टू 72 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाइप आउट हो जाती है, 30% पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है 1769 टू 72। तो बहुत बुरी फरमान कब आती है, 1769 टू 72, 1769 टू 72 30% पॉपुलेशन गायब हो जाती है बंगाल की, 30% पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है। फिर 1772 में कौन आता है, वैरन हेस्टिंग आते हैं। वैरन हेस्टिंग क्या करता है, ये डुअल सिस्टम को खत्म कर देता है। डुअल सिस्टम में क्या था कि दो डिप्टी नवाब अपॉइंट किए थे, जो दीवानी राइट जिनके पास थी वो क्या करते थे, जो दीवानी मतलब कलेक्शन के काम करते थे, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली जो दीवानी की राइट थी अपने अंडर ले ली, तो ये डुअल सिस्टम खत्म कर दिया, दीवानी राइट अपने हाथ में ले ली।